Hello students, this is your teacher Deeksha. Today we are going to complete the present tenses and a present indefinite and present continuous. Okay, so let's just complete that. In the present tenses, I have already written over here that they are of the four kinds: indefinite, continuous, perfect and perfect continuous. Right, we are going to read about the present indefinite. In the recognition, we can find out that what are the recognition of it. It's ता है, ती है and ते है. ता है, ती है and ते है. Okay? In the helping verb, you can find that this is do or does. And do and does comes with only the negative and interrogative. ठीक है? Do and does किस में आते हैं? आपके negative और interrogative में. Unless अगर हम affirmative की बात करते हैं, affirmative, वहाँ पर क्या आता है? एस या ई एस. ओके, अब ऐसे ई एस में हम देख लेते हैं सबसे पहले कि ऐसे ई एस किस किस आता है. तो हम देखेंगे वो एफर्मेटिव में. इन द एफर्मेटिव सब्जेक्ट वी वन या वी फाइव. जब वी फाइव किसको बोलते हैं? वी वन प्लस ऐसे ई एस होती है, उसको हम वी फाइव बोलते हैं. तो सिंस नाउ वी स्टार्ट स्पीकिंग वी फाइव. ओके, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर्स. इफ देयर इज एनीथिंग देन प्लस अदर्स. नोट, वी यूज प्लूरल वर्ब वी वन विथ प्लूरल सब्जेक्ट आई वी यू दे एंड अदर प्लूरल वर्ब. तो प्लूरल वर्ब हमारी आई और आई भी हमारी क्या लेगी? प्लूरल वर्ब लेगी. जैसे कि अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं, एंड एक और नोट पॉइंट है, वी यूज सिंगुलर वर्ब. ठीक है, वी फाइव विथ सिंगुलर सब्जेक्ट. अब हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि वी फाइव जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगी सिंस इट इज़ अ सिंगुलर वर्ब. तो एग्जाम्पल यू कैन सी ओवर हियर, यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते हो. द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब से निकलता है. ठीक है, आई बिलोंग टू दिल्ली. अगर मैं लिख दूँ आई बिलोंग टू दिल्ली, तो आई इसके साथ एस आई एस नहीं आएगा. यू यू के साथ एस आई एस नहीं आएगा, क्योंकि आई और यू अपने साथ प्लूरल वर्ब लेते हैं. द सन, सन इज अ सिंगुलर and rises के साथ s आया है since it is, इसलिए इसने क्या लिया है आपका? सिंगुलर वर्ब लिया है. फाइन, ओके, जस्ट अ मिनट. थिंक affirmative इज क्लियर टू यू ऑल. ओके, द नेक्स्ट वन इज द नेगेटिव. नेगेटिव यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ से आपका डू एंड डज स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, किस क्या डू आना है, डज आना है, ये स्टार्ट हो जाएगा. तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस नॉट प्लस वी वन. फोकस, एम्फेसाइज ओवर हियर, बिकॉज ऑल द स्टूडेंट्स, नॉट ऑल द स्टूडेंट्स, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैज कमिटेड दिस मिस्टेक दैट दे टेक एस एंड ई एस व्हेन दे पुट द हेल्पिंग वर्ब एज वेल. जब वो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तो वो क्या करते हैं? एस और ई एस को लगा देते हैं. आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है. जब डू और डज आ जाएगा तब एस या ई एस नहीं आएगा. ओके, ऑब्जेक्ट एंड अदर्स. नोट, हमने यहाँ पे मैंने एक फिर लिख दिया है, आई एंड यू प्लस टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर्स. मतलब आई एंड यू अपने साथ डज नहीं, अपने साथ प्लूरल वर्ब लेते हैं. ऑल ओवर द ग्रामर यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट दैट आई एंड यू टेक्स द प्लूरल वर्ब विद इटसेल्फ. ओके, फाइन. सो लेट्स सी फर्दर, लेट्स सी द एग्जाम्पल. आई डोंट नो टू स्विम, यहाँ मैंने लिखा कि आई डोंट नो टू स्विम. अब यहाँ पर इसको एक और तरीके से बना सकते हैं. I don't know, अगर how लगा के बनाए, I don't know how to swim. ठीक है, how to swim. इस ये don't do not भी होता है. क्लियर, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है इसमें. He doesn't sing a song, वो एक गाना नहीं गाता है. ठीक है, या वह गाना नहीं गाता है. ठीक, I don't know, यहाँ पे मैंने फिर से भाई I don't know how to swim. तो इसी sentence को I have just converted with the two types. Clear? I hope this would be clear to you all that affirmative sentences में आपका s या es आएगा and s या es में से जो आपका singular है वो singular form लेगा, plural है वो plural लेगा, I and you अपने साथ plural form लेंगे. मतलब I and you के साथ s या es नहीं आएगा, और जितने भी singular हैं उनके साथ s या es आएगा. Negative में आप देखेंगे do या does आ जाएगा. Do हमारा सारे plurals के साथ आएगा, does हमारा सारे singular के साथ आएगा. I hope this would be clear. Let's just move on towards the interrogatives.
सो इंटरोगेटिव्स में वी कैन सी ओवर हियर द फॉर्मूला. सबसे पहले आपका आ जाता है हेल्पिंग वर्ब डू और डज. अच्छा लेट मी जस्ट चेंज द कलर बिकॉज इट इज मर्ज विद द रेड कलर. राइट ओके दिस मच इज एनफ. ओके फाइन ठीक है. अरे can't find the select word. Okay, so here we can see the do and does comes at the first because helping verb put has to be at the first, and then later on the subject, we one, object and others. So here, jaise ki, do you prefer to speak English? So I have overwritten over here, do you? ठीक है? Do you prefer to speak English? Next, does she sing a song? क्या वह गाना गाती है? Does he play football? क्या वो एक फुटबॉल वो क्या वो फुटबॉल खेलता है? Does she play with doll? क्या वो डॉल के साथ खेलती है? ठीक है तो लास्ट में ता है ती है ते है. साउंड इज इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट वी कैन सी ओवर योर द डबल इंटरोगेटिव. इन द डबल इंटरोगेटिव वर्ड कम्स एट द फर्स्ट द क्वेश्चन वर्ड कम्स एट द फर्स्ट. एग्जाम्पल वी कैन सी हियर. ओके तो सबसे पहले हम फॉर्मूला की बात कर लेते हैं अगेन. तो क्वेश्चन वर्ड हमने सबसे पहले दे रखा है ठीक है. या हम उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट V1 V5 नहीं आया. V5 ओनली कम्स इन द एफर्मेटिव सेंटेंस. ओके ऑब्जेक्ट एंड अदर्स राइट. एग्जांपल यू कैन सी हियर व्हाई डू वी स्टडी एट होम. हम घर पे क्यों पढ़ते हैं ठीक है. बिकॉज इट इज़ लॉकडाउन ठीक ड्यू टू द COVID-19. ओके When does it get over? ये कब ख़त्म होता है ठीक है भैया. ये चीज़ कब ख़त्म होती है या कोई भी सीरियल और मूवी यू आर वॉचिंग ठीक है. तो यू कैन फाइंड ओवर हियर. यू कैन आस्क इट लाइक दिस. When does it get over? ये कब ख़त्म होता है. फाइन सो हियर वी हैव कम्प्लीटेड द प्रेजेंट इंडेफिनिट. नाउ यू कैन डू द एक्सरसाइजेस विच आई विल गिव यू. एंड Here it is present continuous. Okay, in the present continuous we can see the recognition over here. रहा है रही है रहे हैं. When the रहा है रही है रहे हैं comes at the end of the sentence, you can find out that this is the present continuous. Okay, the helping verb is quite common and it is really very easy. Is, am, and are. V1 plus ing, it means it is V4. और यहाँ पर आ जाता है इसके साथ V4 इज एम आर के साथ. नाउ इज एम आर इज रियली वेरी वी कैन से इंजॉयबल एंड ईजी फॉर एवरी वन जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इज कम्स विद द सिंगुलर फॉर्म. इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ. एम कम्स विद आई ठीक है. एम कैन नॉट बी कम विद एनी अदर्स पर्सन और सब्जेक्ट. आर कम्स विद द प्लूरल इंक्लूडिंग यू. सो हियर इट इज कम्प्लीटेड. नाउ नो मोर डाउट्स के How? Let's just see the example in the affirmative sentence. Affirmative, we can see over here subject, helping verb plus V4, object and others. Why do we write over here again and again the helping verb? आप बोलोगे कि मैम हम बार-बार helping verb क्यों लिख रहे हैं? The reason behind that is because if we just specify it, then you will starting forgetting that it is the helping verb. Okay? हम चीजों के नाम से उनको याद रखेंगे, ना कि उनकी शक्ल से. Got it? कि ये helping verb है ना कि हम ये बोलेंगे is, am, are है. Roots are the roots. If you just connect with the roots, then you may never forget anything. But once you start forgetting the roots, then your concepts would be turbulent. Okay? Fine, let's just see the next one. तो हम देख लेते हैं इसका example. ठीक है, what's the example here? She is reading the novel. वह novel पढ़ रही है. I am taking my class. मैं अपनी क्लास ले रही हूँ ठीक है या ले रहा हूँ. You are working hard in these circumstances. आप कठिन परिश्रम कर रहे हैं इन परिस्थितियों में. They are suffering from bad cold and cough. ठीक है. अच्छा ये ना let me tell you one thing कि I have taken the online class slide. ठीक है. So don't go on this. तो क्या है वो बहुत बुरे खांसी ज़ुकाम से उनको बहुत ज़्यादा खांसी ज़ुकाम हो रखा है. जब भी हम कोई डिसीज़ की बात करते हैं तो वी सफरिंग के साथ आता है फ्रॉम. ठीक है चलो
So I think this would be clear. Next we see negative sentence formula again. Subject helping verb and यहाँ आ जाएगा आपका not, V4 object and others. तो she is not reading the novel. तो इसके बाद क्या आएगा not. इस तरीके से she is not reading the novel. I am not taking my class. You are not working hard. You they are not suffering with bad cold and cough. Okay. Interrogative we can see here. The first one is the helping verb subject not if. Now what is not if? अगर not है तो वो interrogative negative में आ जाता है. ठीक है. यदि not है sentence में आपका तो आप not लगाएं. नहीं है तो नहीं लगाएं. इसीलिए bracket में if लिखा हुआ है. ठीक है. Then आपका V4 object others and question mark. That's compulsory. Okay. So here we can see what that is she not reading the novel? क्या वो नॉवल नहीं पढ़ रही है उपन्यास नहीं पढ़ रही है ना. ओके एंड इसी तरीके से इफ यू मेक दी अनदर सेंटेंस आर यू वर्किंग हार्ड इन दी सर्कमस्टांसेस. ठीक है. एम आई टेकिंग क्लास. आर दे सफरिंग फ्रॉम बैड कोल्ड एंड कफ. गॉट इट. सो यू वी कैन सी द इंटरोगेटिव फॉर्म. नेक्स्ट वी कैन सी द डबल इंटरोगेटिव फॉर्म. अच्छा इफ वी जस्ट पुट द नॉट. ठीक है. How we put the not? Just a minute. अगर हम इस sentence में not लगा दें तब फिर आप कैसे बनाओगे इसको interrogative में. अगर यहाँ जैसे कि मैंने यहाँ लिखी रखा है is she not reading the novel, right? या इस तरीके से अगर इसका बनाए तो क्या हो जाएगा. Are they not suffering with from bad cold and cough? ठीक है. Are you not working hard in these circumstances? Am I not taking my class? Clear? Is she not reading the novel? Got it? Fine. Let's just move on the double interrogative. In the double interrogative, you can see over here, only the question word comes at the first and the rest as formula will remain same. Okay? Like I have written over here, why is she not reading the novel? Okay? Baki ki sentence wahi raha, only humne why aage laga diya. Why is she not reading the novel? If we make all these sentences into double interrogative form, then क्या हो जाएगा. सबसे पहले हो जाएगा when is she reading the novel. ठीक है. Where am I taking my class. मैं कहाँ अपनी क्लास ले रहा हूँ तुमको दिख नहीं रहा है. ठीक है. अगला है how are you working hard in these circumstances. तुम इतना कठिन परिश्रम कैसे कर सकते हो इतनी खराब परिस्थितियों में. ठीक है. एंड यहाँ पर है when okay since when लगा सकते हैं हम. यहाँ लगाएंगे since when are they suffering from bad cold and cough. वे कब से. ठीक है. तो कब से का हो जाता है since when. वे कब से इतने बुरे सर्दी जुकाम से जूझ रहे हैं. क्लियर. सो हियर यू कैन सी आप यहाँ देख सकते हो कि वी हैव कम्प्लीटेड द प्रेजेंट इंडेफिनेट एज वेल एज द प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंसेज. नाउ यू कैन डू द एक्सरसाइज इन रेफरेंस टू दी. वील सी इन आवर नेक्स्ट क्लास. टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स. गुड बाय. टेक केयर. स्टे होम. स्टे सेफ.